कुछ लोगों को भारत की रैंकिंग 142 से 100 होने की बात समझ नहीं आती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं, वो आज भी भारत की रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं। यदि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, यदि इंसॉल्वेंसी कोड, बैंकरप्सी कोड, कॉमर्शियल कोड, अगर ऐसे कानूनी सुधार आपके समय में हुए होते तो हमारी ये रैंकिंग आपके सौभाग्य में नहीं आती क्या? देश की स्थिति नहीं सुधरती क्या? लेकिन किया कुछ नहीं और जो कर रहा है उसको सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे ये भी संयोग की बात है कि वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रिया साल 2004 में शुरू की थी। बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है। और इसके बाद 2014 तक किसकी सरकार रही ये भी आप सबको पता है। मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं उसने वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग भी नहीं देखा है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक को चलाने वाले लोग यहां बैठा करते थे। मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग पर सवाल उठाने के बजाय आइए हम मिलजुल करके अपनी कमियों को एड्रेस करें, एक नई ताकत को जोड़ें और नए सपनों को लेकर के, नया संकल्प लेकर के न्यू इंडिया बनाने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ें।